राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनकी देखरेख के लिए पंचायत को जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन पंचायत में लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने शौचालय की देखरेख सुचारू रूप से कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर 205 पर जामली के पास स्थित सार्वजनिक पुरुष शौचालय में ताला लगा दिया गया है और महिला शौचालय को खुला रखा गया है। लोगों का कहना है कि महिलाओं को शौचालय जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के शौचालय में पुरुष और महिलाओं को दोनों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ताला लगा हुआ है। कमेटी के प्रधान ठाकुरदास का कहना है कि गंदगी फैल रही है और सेफ्टी टैंक भी लीक हो रहा है, जिसको देखते हुए कमेटी ने पुरुष शौचालय को ताला लगा दिया है और महिला शौचालय को खुला रखा गया है। जो भी जाते हैं ताकि ये खड्डा जो है ये लीकेज जो है गंदा पानी मतलब नाली में जाता है, सड़क में बहता है, बाकी मतलब जो है ये पल्ला कमरा बंद किया है। तो इसमें महिला भी एक तरफ जाती है, पुरुष भी, महिला भी इसमें जाते हैं और पुरुष भी इसमें जाते हैं। तो दूसरी तरफ क्यों बंद किया है? ये सफाई गंद डालते हैं, बाकी मतलब ये एक कमरे का सफाई का भी मतलब चलो कर देते हैं, बाकी मतलब ये खड्डे ज़्यादा लीक है ना। इसके प्रधान भी आप हैं? हाँ। जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं नेशनल हाईवे पे, वो अब सरकार ने उनको PWD के को सौंप दिया था और PWD ने उनको पंचायत के अंडर कर दिया। पंचायत ने नज़दीकी प्राइवेट वो बनाई, कमेटियाँ बनवाई वहाँ पे, और अब हमारे शौचालय में पुरुषों की और यानी कमेटी ने किसने ताला लगा दिया है, और हमें अब पुरुषों को भी और औरतों को भी औरतों के शौचालय की तरफ जाना पड़ता है, जिससे औरतों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृपया इसको